अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं परवेज सिद्दीकी। आज मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हूं और बहुत ज़्यादा गमज़दा हूं। उसकी वजह यह है कि आज कॉमेडी का एक पूरा बाब वो ख़त्म हो गया और कराची थिएटर की कमर टूट गई, कॉमेडी की कमर टूट गई। उमर शरीफ साहब, जो ना सिर्फ एक शफीक उस्ताद, एक शफीक बाप, एक शफीक शौहर, बल्कि अपने अंदर एक प्यार का पूरा मंबा हम में नहीं रहे। कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक सब ने मौत का मज़ा चखना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब जाते हैं तो अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ जाते हैं। उन्होंने जितना काम किया, हमने उनके साथ जितना काम किया, उनके काम की वजह से आज हमारा नाम है। वो एक ऐसे पारसा थे जो किसी को छूते थे तो सोना बन जाती थी। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, हमें सब्र जमील अता फरमाए। ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन जैसा आर्टिस्ट सदियों में पैदा होता है और वो अपने काम में यकता, पुख्ता और एक ही थे। जहाँ जो उर्दू बोली समझी सुनी जाती है, आज सारे लोग सोगवार हैं और उनके गम में हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी दुआओं में उनको ज़रूर याद रखें, कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो उनकी ख्वाहिश थी, जितने वो समाजी और बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले इंसान थे, वो माँ हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। और उस में जो खिदमत हो लोगों की, उसके एवज़ अल्लाह ताला उमर भाई को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत बड़ा नुकसान है, इसको सदियाँ ही पुर कर सकती हैं। तो एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमाए और पजंदन पाक के सदक़े में उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।